गोरखपुर महाराजगंज स्थानीय प्राधिकरण चुनाव के नामांकन पत्रों की स्क्रूटनी के दिन निर्दल प्रत्याशी अनिल यादव का पर्चा निरस्त हुआ, जिसके संबंध में उप जिला निर्वाचन अधिकारी राजेश कुमार सिंह ने बताया कि गोरखपुर महाराजगंज स्थानीय प्राधिकरण के चुनाव के लिए कुल 3 लोगों ने 8 सीटों में नामांकन पत्र किया था, जिसमें भाजपा के सीपी चंद्र ने 4, सपा के रजनीश यादव ने 3 और अनिल यादव ने 1 सीट में नामांकन पत्र दाखिल किया था, जिसमें भाजपा के सीपी चंद, सपा के रजनीश यादव का नामांकन पत्र वैध पाया गया और अनिल यादव का नामांकन पत्र स्क्रूटनी के दौरान वैध नहीं पाया गया, जिसको निरस्त कर दिया गया। इस तरह केवल 2 प्रत्याशियों के नामांकन पत्र वैध पाए गए। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए उप जिला निर्वाचन अधिकारी राजेश कुमार सिंह ने कहा, नमस्कार, मैं राजेश कुमार सिंह एआरओ हूं। आज रिटर्निंग ऑफिसर महोदय के द्वारा गोरखपुर महाराजगंज स्थानीय प्राधिकारी निर्वाचन क्षेत्र की स्क्रूटनी की गई। कुल 3 लोगों ने 8 सीटों में नामांकन पत्र दाखिल किया था। श्री चामुंडेश्वरी प्रताप चंद्र जी ने 4 सीट में दाखिल किया था, इनका चारों नामांकन पत्र वैध पाया गया। श्री रजनीश यादव जी ने 3 सीट में दाखिल किया था, इनका तीनों वैध पाया गया। श्री अनिल यादव ने 1 सीट में दाखिल किया था, उनका नामांकन पत्र वैध नहीं पाया गया और वो निरस्त कर दिया गया। इस प्रकार से 2 प्रतिनिधियों के, 2 प्रत्याशियों के नामांकन पत्र वैध पाए गए।